नेशन जीएसटी वन नेशन वन टैक्स इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा की जेवर मंडी, जहां पर हम बात करेंगे किसानों से, कारोबारियों से कि जीएसटी आने के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। खेती की उपज से जो उन्हें आमदनी होती है उसके ऊपर अब किस तरह से टैक्स सिस्टम यहाँ पर काम करेगा, और जो कारोबारी यहाँ पर ट्रेड करते हैं उनके लिए जीएसटी आने के बाद कारोबार करना कितना आसान हो जाएगा। और आज इस चौपाल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई किसान मौजूद हैं, कई कारोबारी मौजूद हैं, जो अपनी समस्याएं बताएंगे कि मौजूदा टैक्स सिस्टम में उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं और जीएसटी आने के बाद उनकी समस्याएं किस तरह से यहां पर दूर हो जाएंगी। और इस कड़ी में हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं, कारोबारी हैं जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अभी आप जीएसटी का मतलब समझते क्या हैं? जीएसटी जो है एक नया टैक्स कानून लागू कर रही है भारत सरकार। बाकी अभी इसके बारे में तो आप लोग और समझाएंगे, और बाकी जैसे भी अभी कई टैक्सों को मिला के एक टैक्स किया जा रहा है, जैसे मनोरंजन कर है और जो आपका सर्विस टैक्स, और ये कई टैक्सों को मिला के सिंगल टैक्स के रूप में लाया जा रहा है। तो बाकी चर्चा से अब और भी समझ में आएगा क्या इसमें बदलाव आ रहे हैं नए टैक्स में। हाँ ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी आने के बाद और क्या बदलाव होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं जो अपनी दिक्कतें बताएंगे कि अभी क्या दिक्कत हो रही है और जीएसटी आने के बाद क्या ये दिक्कतें उनकी दूर हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा सिस्टम अभी लागू होने की बात हो रही है, किसानों को आपके हिसाब से, चूँकि आप खेती करते हैं, तो किसानों को कितना बड़ा फ़ायदा जीएसटी आने से हो सकता है? किसान का जिस तरह से पूरा कह रहे हैं, अभी हमने पूरी फसल बेचने में हमको दिक्कत हो रही है, जीएसटी से बता रहे हैं कि फ़ायदा होगा भाई, सब राज्यों में एक सा जो हो जाएगा भाव हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं वो हरियाणा को यहाँ से क्यों बेचते हैं गेहूँ का भाव, अब हमारे गेहूँ पैदा हुआ है, जबकि यूपी के इस क्षेत्र का अधिकांश गेहूँ हरियाणा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सही ढंग से उसकी खरीद नहीं हो पाती है, समय पर पेमेंट नहीं हो पाता है और हमारे यहाँ का गेहूँ हरियाणा पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ भाव यहाँ से भी 10 रुपये और 20 रुपये फालतू मिलता है, जो यूपी में भाव होता है गेहूँ का उससे हमें फालतू भाव मिलता है। चलिए, तो ये एक चिंता है, कंसर्न है कि यूपी का अनाज जो है वो हरियाणा की मंडी में बिकता है, क्योंकि वहाँ पर दाम ज़्यादा मिलते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर में भी कई फ़र्क पड़ जाता है दोनों राज्यों के बीच, हालांकि जीएसटी आने के बाद टैक्स में समानता आ जाएगी। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं और अब हम एक्सपर्ट से ये जानना चाहेंगे कि जीएसटी आने के बाद सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जब जीएसटी लागू होगा तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कितने टैक्स स्लैब होंगे, और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं या कारोबार करते हैं, और अगर आप किसान हैं खेती करते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। सर आप ज़रा बताएँ हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं किसान भाई और कारोबारी कि जीएसटी का मतलब होता क्या है आसान शब्दों में। देखिए, अभी तक जैसे आप जानते हैं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी तक हर स्टेट का अलग टैक्स है, सेंट्रल अलग चार्ज करता है, तो कई लोग जो लोग धंधा करना चाहते हैं वो देखते हैं कि इस स्टेट में जाएं, इसमें मत जाएं। अगर एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट में जाता है एंट्री टैक्स होता है, दुनिया भर के लोकल टैक्सेस होते हैं, जहां माल बिकता है वहां अलग जो टैक्सेस होते हैं। तो एक देश होने के बाद भी एक विभाजित देश था टैक्स के मामले में, तो जो दुनिया के और बड़े शहरों में और बड़े जो कंट्रीज़ हैं उस चीज़ को लागू करते हुए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक ही होगा टैक्स। तो पहली बार एक हिंदुस्तान एक बनेगा, चाहे आप माल एक ही, और गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी कि क्या रेट्स होंगे। गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स होगा नंबर एक। अब जो स्टेट को हिस्सा मिलता था तो जो भी रेट होगा, मान लीजिए एक आइटम का सरकार ने कहा 18% है, इसमें उन्होंने 4 रेट निकाले हैं कि जो भी निकालेंगे जो लिस्ट, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% का टैक्स। ये जो भी, मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं 18% का टैक्स है तो उसमें आधा स्टेट को जाएगा और आधा सरकार सेंट्रल को जाएगा। तो बिल के अंदर 9% सेंट्रल जीएसटी होगा और 9% स्टेट जीएसटी होगा। तो इसमें इस तरीके से गवर्नमेंट ये लॉ लाने के बाद पूरे देश को एक देश कर देगी, और जितने तरह के जो टैक्स थे, वैट टैक्स था, जैसे सर्विस टैक्स इन्होंने बताया, उसके बाद सेंट्रल सरचार्ज थे, स्टेट लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, स्टेट वैट लगता था, सीएसटी लगता था, इस तरह के सारे जो परचेज टैक्स लगता था कई जगह पे जो मंडियों पे, वो सब खत्म हो जाएंगे। आपका अपना नज़रिया क्या है जीएसटी को लेकर के? आप जब जीएसटी का नाम सुनते हैं
तो आपके जहन में क्या आता है, क्या आपको लगता है कि आने के बाद आप आपका जो खेती का तरीका है वो बदल जाएगा, खेती से आपको फ़ायदा होगा, जो आप कारोबार कर रहे हैं मंडियों में इसमें जो आप दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हरियाणा बॉर्डर से लगा हुआ है जेवर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, डीजल, पेट्रोल उत्पादन, बहुत बड़ा अंतर है। एक किसान अगर 50 लीटर पेट्रोल डीजल लेने जाएगा तो हरियाणा पार करके चला जाता है। फर्टिलाइज़र और ये जितने भी आइटम है किसान से संबंधित, में बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये अंतर एक हो जाएगा तो हमारा यहाँ व्यापार भी ठीक चलेगा और किसान भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं एक बात कहूँगा कि पेट्रोल के अंदर अभी जो भी ये रूल आ रहा है इसमें सिर्फ 3 आइटम्स को अभी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। जो आपका प्रश्न है, पेट्रोल को अभी एक्सक्लूड किया है क्योंकि कई स्टेट्स नहीं मान रही थी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी पेट्रोल अलग अलग जैसे आज का लॉ है वो रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम में गवर्नमेंट का ये कोशिश रहेगी कि पेट्रोल को भी जीएसटी में ले आएँ। अभी पेट्रोल जीएसटी में नहीं है, अभी एल्कोहल जीएसटी में नहीं है और अभी इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीज़ें जो हैं अभी जीएसटी में नहीं है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट अभी प्रेशर में आके मान रही है कि हमें नहीं करना जीएसटी में, लेकिन थोड़े टाइम में उम्मीद है कि वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि ये और जानना चाहते हैं कि जीएसटी आने के बाद किसानों को और कितना फ़ायदा हो सकता है, जो कि हमारे साथ एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट विजय सरदाना जी हैं। सरदाना जी, अगर आप बता पाएँ हमारे किसान भाइयों को कि एक तो क्या होता है कि जब भी कोई नई बात होती है देश में, कोई नया सिस्टम लागू होता है, तो उसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है और कई बार लोग मिसगाइड होते हैं, गलत जानकारी सर्कुलेट होती है लोगों तक। तो हमारी ये कोशिश है, इसलिए हम आज इस मंडी में हैं जीएसटी चौपाल के ज़रिए, कि हम किसान भाइयों को, कारोबारियों को ये बता पाएँ कि रियलिटी क्या है। तो आप ज़रा बताएँ हमारे किसान भाइयों को कि जीएसटी आने के बाद तत्काल इनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इनकी खेती पर क्या असर पड़ने वाला है और इनका जो तरीका होगा खेती का या फिर जो खेती से जो ये बिज़नेस करते हैं उसमें क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले तो इस देश के सारे अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात है जीएसटी की, देखिए किसान के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, किसानों के लिए अच्छा ही होगा। किसान की जो खेती पहले थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, आने वाले समय में भी आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपके ऊपर कोई अतिरिक्त बाहर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों के लिए, जो आप खाद, बीज, मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल करते थे पहले, उस पर मल्टीपल टैक्स लगता था, वो माल कहीं और बनता था, आप तक पहुँचता था और रास्ते में कई जगह पर उस पर टैक्स लगता था। आने वाले समय में ये सब सुविधाएं हो जाएंगी, कुछ टैक्स कम होंगे और सिंपल हो जाएगा। तो जो लोग खेती से संबंधित चीज़ें बेचते थे, खाद, बीज, फर्टिलाइज़र, आपका ट्रैक्टर, मशीनें वगैरह, तो इन सबको हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके रेट हो जाएंगे कम। अब रही बात कि अब जीएसटी का खेती पे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, हमारे यहाँ 2 तरह के किसान हैं। एक तो वो किसान है जो खुद खेती करते हैं, जिनकी अपनी ज़मीन है और खुद उस पर मेहनत करते हैं और उत्पादन करते हैं। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़मीनें बटाई पे दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं और बाकी लोगों से खेती करवाते हैं। जीएसटी में इस बात को बहुत क्लियर किया गया है कि जो किसान खुद खेती करेगा, अपनी ज़मीन पर करेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, जो ज़मीन दूसरों से लेके किराए पे लेगा, या जो बड़े लोग हैं शहरों में रहते हैं, ज़मीनें खेतों में हैं, वो किराए पे दे देते हैं और उससे खेती की आमदनी लेते हैं, उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तो एक तो जो लोग अभी खेती के नाम पे टैक्स बचाने की कोशिश करते थे वो इस दायरे में आ जाएंगे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण सरदाना जी ने कही है और ये निश्चित तौर पर जब जीएसटी लागू होगा, चूंकि पूरा टैक्स सिस्टम एक हो जाएगा, तो आपको बहुत दूर अपना माल बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये इससे आपकी समय की बचत होगी और आपको कहीं ना कहीं एक ही भाव मिलेगा दूसरी मंडी के मुकाबले भी, तो आपको ज़्यादा अपना माल बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन कारोबारियों की दिक्कत क्या है, क्योंकि कारोबारियों को भी बहुत सारे टैक्स सिस्टम से गुजरना पड़ता है और इस वजह से उनके कारोबार में देरी भी होती है और दिक्कतें भी आती हैं। आपको जीएसटी जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या कोई कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि जीएसटी आने के बाद कोई दिक्कत आ जाएगी, या फिर जीएसटी सुनते ही आपको ये लगता है कि जीएसटी लागू होने के बाद आपका कारोबार करना और आसान हो जाएगा? मेरा कहना ये है, मैं एक व्यापारी हूँ, जब हम किसान का माल बेचते हैं तो उस पर सेल टैक्स भी लगता है और 2.5% मंडी शुल्क लगता है, तो क्या मंडी शुल्क भी इस योजना के अंदर समाप्त हो जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मंडी शुल्क बराबर रहेगा,
खजाना जी इसका जवाब दे पाएंगे, क्या मंडी शुल्क खत्म हो जाएगा या जीएसटी लागू होने के बाद भी मंडी शुल्क बना रहेगा? देखिए, मंडी में कई तरह की शुल्क लगते हैं, जिसमें आपने जैसे एक मंडी शुल्क बोला, अगर मंडी शुल्क राज्य सरकार के कानून के तहत लगता है तो वो समाप्त हो जाएगा, वो जीएसटी में शामिल हो जाएगा। अगर कोई शुल्क या फी या सेस लोकल एपीएमसी लगाती है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट या किसी और तरीके से, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून के माध्यम से जो टैक्स लगाते थे वो सब मर्ज होकर जीएसटी में चले जाएंगे। जो लोकल लेवल पे जो टैक्स या शुल्क लगते थे उनमें अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब इस तरह का एक सुधार शुरू होगा तो निश्चित रूप से अलग अलग जो मंडियों के शुल्क और सेस लगते थे, जो लोकल पंचायत लेवल पे या एपीएमसी लेवल पे लगते थे, उनमें भी एक समानता आएगी या उनमें भी सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस शुल्क की आप बात कर रहे हैं वो राज्य सरकार के किस अधिनियम के तहत लग रहा है। अगर वो कानून आपके विधानसभा द्वारा पास हुआ है और उसके तहत लग रहा है तो वो जीएसटी में मर्ज हो जाएगा। अगर वो विधानसभा द्वारा पास नहीं हुआ है, लोकल लेवल पे हुआ है, तो वो जारी रहेगा या उनमें कुछ सुधार हो सकता है। और चलिए, इस पूरी चर्चा में एक और महत्वपूर्ण चर्चा है जो करना यहाँ पर लाजमी है, वो चर्चा ये है कि जीएसटी में किसानों की परिभाषा बदली गई है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो उपज है, जो आपकी खेती है, उसका माल कोई और खाता है, इसीलिए इस जीएसटी में किसानों की परिभाषा बदली गई है और उसको थोड़ा नैरो किया गया है। सरदाना जी इस पर अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बात अभी हुई भी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी को भी की खेती का दर्जा देकर के वो भी टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, ये सिस्टम अब ख़त्म होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जीएसटी में ये होने वाली है कि जो मिडिल मैन है, 2 रुपये नासिक में बिकने वाला प्याज अगर दिल्ली में 50 रुपये के भाव बिकता है तो बीज का 48 रुपये कौन खाता है, इस पर भी नकेल कसने वाला है और मिडिल मैन के ऊपर भी टैक्स लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है। सरदाना जी इस पर आपका कमेंट। जीएसटी में डेफिनेशन को बहुत क्लियर ये किया गया कि जिसकी ज़मीन है और अगर वो ज़मीन पे खेती कर रहा है वो ही किसान माना जाएगा। आप अगर ज़मीन आपकी 100 एकड़ या 10 एकड़ कहीं है और आपने मजदूरी दे दी किसी को कि आप मेरी खेती करो और उससे जो उत्पादन निकलेगा और मैं उसका प्रॉफिट जेब में रख लूँ, ये कह के कि ये एग्रीकल्चर इनकम है इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, नए कानून और नई परिभाषा के हिसाब से वो नहीं चलेगा। हाँ। तो कुल मिला के बात यह है कि किसान हैं, अपनी खेती खुद कर रहे हैं, पशुपालन खुद कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप खुद अपना कर रहे हैं, या जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपका परिवार की ज़मीन है और आप खेती कर रहे हैं, वो सब खेती की परिभाषा में आएगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने खेत के अलावा पड़ोसी का खेत ले लिया, किराए पर खेत ले लिए, कहीं पे आपने फूलों की खेती करी, कहीं मुर्गी पालन किया और वो सब किराए पे आप कर रहे हैं, या आपने मजदूर रखे वो आपकी जगह पे काम कर रहे हैं, वो सब टैक्स के दायरे में आएंगे, उनको खेती की इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका बहुत तरह से मिसयूज़ होता रहा। हाँ, बिल्कुल। यानी जो टैक्स में छूट आपके लिए बनी है, खास करके किसानों के लिए बनी है, वो माल अब दूसरा कोई नहीं डकार पाएगा। इसकी व्यवस्था इस नए सिस्टम में हो रही है कि अगर आप अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। अगर आप खेती किराए पर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो उसको टैक्स के दायरे में यहाँ पर रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक बेहतर बात होगी जीएसटी आने के बाद? सबसे बेहतर बात तब होगी अगर हमारे जितने भी खाद्यान्न हैं, जो भी हम फूड का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है और वो मंडी में आता है, उसके बाद उस पर कोई भी टैक्स ना लगे, तब तो उसको बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ये कंसर्न एक जायज है, लेकिन कुछ रिटेलर्स की ये चिंता है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो रिटेल बिजनेस है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है, चूँकि आप रिटेल में ट्रेड करते हैं, क्या कन्फ्यूज़न है आपको जीएसटी को लेकर? ट्रेडर्स से माल लेने के बाद में रिटेलर्स ये चाहता है कि मैं उसका जमा खर्च न करूं और ऊपर की ऊपर जो का तो बेच दूं, उसके लिए क्या ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको 5% जो टैक्स लग रहा है वो रिटेलर्स जब तक जमा खर्च नहीं करेगा, जब मिलेगा या जब मिलेगा जब उसको वो जमा करेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
मेरा एक्सपर्ट से ये पूछना है कि आपने बताया था कि जी बही खाद, हम लोग अब तक तो बही खातों में एंट्री करते थे, अब उसमें कंप्यूटर, बही खातों का संभव है इसमें या नहीं? दूसरा कि आपने बताया है कि जी मंडी में जो किसान खेती पे दे देते हैं जींस पे, उस पर आप कैसे वेरिफिकेशन हो पाएगा गवर्नमेंट को जी इसने जींस पे दे दी? भाई ये वेरिफिकेशन तो बहुत डिफिकल्ट बात हो गई, कहाँ तक गवर्नमेंट कर पाएगी इसका वेरिफिकेशन कि इसने जींस पे दे दिया इसने ना दिया? हाँ ठीक है, ये आपका सवाल बहुत जायज़ है। एक और सवाल लेते हैं फिर हम चलेंगे एक्सपर्ट के पास और जब आपके जवाब देंगे। जी आप बताएं। अभी 2 महीने बाद से GST हमारे देश में लागू हो जाएगा। बहुत से CAs हैं या फिर हमारे यहाँ पे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, और आप अमूमन देखते भी होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम हर दुकान में नहीं मिलेगा आपको, क्या किस प्रकार से वो मतलब अपने टैक्स का एवेल्यूएशन कर पाएंगे? ठीक है मल्होत्रा जी, पहले तो जो रिटेलर्स का कंसर्न है कि उनका ट्रेड किस तरह से बदलेगा, और जो बात एक और हमारे कारोबारी भाई कह रहे थे कि बही खाते में भी एंट्री होती है, तो उसको लेकर के क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जिस आदमी की सेल, अगर वो रिटेल का धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो 20 लाख तक अगर उसका 20 लाख तक की से टोटल टर्नओवर या सेल नहीं है, उस पर GST नहीं लगेगा। तो अगर आप एक दुकान चलाते हैं और आपकी साल भर की सेल 20 लाख से कम है, तो आप GST के दायरे से बाहर हैं। दूसरा, आपने बही खातों की बात की। बही खातों में ऐसा है कि अब कंप्यूटर के अंदर गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइडर, क्योंकि जो रिटर्न्स फाइल करनी है आपको हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करनी है, सप्लाई की अलग है, परचेज की अलग है, टोटल GST की अलग है, साल की एनुअल रिटर्न अलग है, तो एक आदमी को 37 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी कम से कम। लेकिन वो सिस्टम कंप्यूटर से ऑटोमेटिक होगा, उसका सॉफ्टवेयर, और उसमें गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइडर से आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिससे कि हर चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा सवाल एक और था यहाँ पर सरदाना जी कि टेक्नोलॉजी को लेकर दिक्कतें हैं, जो बात इन्होंने कही कि अभी कंप्यूटर को की समझ बहुत बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाई है मंडियों तक, इसका क्या समाधान होगा? ये भी एक कंसर्न है कारोबारियों का, किसानों का, कि चूंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा तो उसकी जानकारी भी होनी उतनी ज़रूरी है, उसमें जो लूपहोल्स होंगे उससे क्या कोई नुकसान की आशंका है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, सिर्फ टैक्स का ही नहीं, हमारे काम करने के तरीके को भी बदलेगा। अभी तक हम लोग कच्चा बिल, पक्का बिल और कहीं पे लिख लेते थे और जगह खाता हिसाब चलता रहता था। आप अगर कहते हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूं, तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो निश्चित रूप से आपको बदलती हुई दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर कंप्यूटराइजेशन मैंडेटरी है, तो आपको कंप्यूटर सीखने पड़ेंगे। आपको नहीं आता, आपके बच्चे को बोलिए, घर में किसी और को बोलिए, किसी ना किसी को तो सीखना पड़ेगा जिस पे आपको भरोसा है। रही बात कंप्यूटर की मशीनों की, आज बाजार में 10,000 रुपये से लेकर आपको जितने का कंप्यूटर चाहो मिल सकता है, तो ऐसा भी नहीं रहा कि बहुत मुश्किल और महंगा हो गया। एंट्री करना, रिकॉर्ड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मल्होत्रा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, GST कोई इतना सिंपल नहीं है, इतना बड़ा देश है, और जहाँ पे भी दुनिया में GST शुरू हुआ, तो पहले 2 साल परेशानी बहुत थी। हाँ। तो अगर आप ये सोचें कि 1 जुलाई से हर सिस्टम एकदम सही रहेगा, और शुरू में परेशानी कोई भी नई सिस्टम, जो 60 साल की प्रथा आप चेंज कर रहे हैं, बिजनेस का तरीका चेंज कर रहे हैं, एक इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर आप ये मान के चलेंगे कि पहले दिन से सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कम से कम 2 साल लगते हैं, कम से कम 2 साल लगेंगे। हाँ, कोई नया बदलाव होगा तो उसमें वक्त लगेगा। मैं आऊँगा सर आपके पास। लेकिन टैक्स, जो बात अभी आपने कही कि 2 साल का वक्त कम से कम लगेगा बदलाव होने में, लेकिन टैक्स का नाम सुनते ही लोगों को एक बोझ सा लगने लगता है। इस पर कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे थे, अभी पूछा जा रहे थे कि टैक्स, जब आप सुनते हैं कि आपको एक GST नए टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है, तो आपको क्या महसूस होता है? दरअसल मेरा सवाल जागरूकता को लेके है। जब हम टैक्स की बात करते हैं, तो एक आम आदमी को या किसान को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बोझ डाला जा रहा है, तो क्या सरकार को कोई ऐसा अभियान नहीं चलाना चाहिए कि जो लोगों को ये पता चल सके कि यार टैक्स है क्या चीज़, ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे ही फायदे के लिए है? देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात को जानती है कि एक नई प्रक्रिया है, इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि हर TV चैनल, हर अखबार, हर पत्रिका में इसके बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी भारत सरकार की तरफ से होगी, राज्य सरकारों की तरफ से होगी। अभी ये कहा गया कि जहाँ पे भी टैक्स बदलाव होता है, वहाँ 1-2 साल तक दिक्कत रहती है। देखिए, जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो लोग सीखना नहीं चाहते, उनको दिक्कतें होंगी। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सीखते हैं और दिक्कतों में नहीं फंसते। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो किसान है
और अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये किसान जो खेती करेगा और जो खेती को उठाएगा, तो उठाने वाले की तो खेती है वो तो, और कहीं बिजनेस कर रहा है वो अपनी बड़ी, और मजदूर उसको लेके मुट्ठे पे गांव में और खेती करना चाहता है, तो वो टैक्स से दूर उसको मजदूर को रखना चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी में ही उनसे कहीं ज़मीन को लेके और मजदूरी पे कर रहा है, तो वो मजदूरी के दायरे में आता है, और मजदूरों पर अगर टैक्स लगेगा तो ये बिल्कुल अटपटी बात लगेगी। नहीं देखिए, ये गलत फहमी है आपकी, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। छोटे किसान जो खुद किसान खेती कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई टैक्स नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी, ऐसा नहीं है। जीएसटी क्या है इसको समझिए आप, जीएसटी आपका इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी व्यापारिक कर है। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उन पर टैक्स लगता है। कहने का मतलब ये है कि आप आमदनी को इससे मत जोड़िए, वो इनकम टैक्स का मुद्दा अलग है। मैं शरदराज जी जिससे पूछना चाहूँगा, एक विषय आया था कि नासिक में 2 रुपये किलो प्याज बिकती है, दिल्ली आके 50 रुपये बिकती है, ये बिचौलिया जीएसटी के माध्यम से कैसे समाप्त होंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इस जीएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया है वो है कि प्रॉफिटियरिंग, कि जरूरत से ज्यादा लाभ अगर कोई व्यापारी किसी सिस्टम को मैनिपुलेट करके कमाता है, उस पे अंकुश लगेगा। अंकुश लगेगा बिल्कुल। संक्षेप में लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा कि हर टैक्स जो लगेगा, क्या आपको लगता है कि बिचौलिया अब खत्म हो जाएगा? जो बात इन्होंने कही कि 2 रुपए का प्याज 50 में बिकता है, 48 रुपए खाने वाला कहां जाता है, क्या उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगाम लगेगा। अभी जो बीज के बिचौलिया हैं उनकी कोई कहीं रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, वो सारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि किताबों से बाहर है। तो अब जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में आपको किताबें मेंटेन करनी पड़ेंगी, कौन कितना कमा रहा है अभी तो ये नहीं पता चलता बिचौलिए कौन है। अगर अब इस तरीके से जैसा सिस्टम आएगा बीच में, मुझे नहीं लगता कि बिचौलिए इसमें अपना रोल प्ले कर पाएंगे, और जिस तरीके से आप 2 और 50 का डिफरेंस, शायद वो हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। जो बात है, जो हमने कोशिश की चौपाल के जरिए, जो कन्फ्यूज़न थे कारोबारियों के मन में, किसानों के मन में, उसको दूर करने की हमने कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कारोबारियों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और ख़ास करके नया टैक्स सिस्टम जब आएगा तो उन सब का, उस सिस्टम का हम सब हिस्सा बनेंगे, और इससे कहीं ना कहीं सरकार और बाज़ार और कारोबारी किसान सबको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।